ओम शांति दोस्तों किसी ने बहुत सुंदर कहा है देर इज नो परफेक्ट लाइफ बट वी कैन फिल इट विथ परफेक्ट मोमेंट्स बिटवीन द स्टिमुलस एंड अवर रेस्पॉन्स देर इज ऑलवेज अ स्पेस एंड दैट स्पेस इज आवर कॉन्शियस डिसीजन दैट अलाउज अस द केपेबिलिटी टू चूज वॉट वी वॉन्ट इन अवर लाइफ इट इज़ अवर ओन कॉन्शियस डिसीजन इट इज अवर ओन वे ऑफ चूजिंग आवर ओन इनर फ्रीडम दैट कम्स विद अवर ओन बिलीफ सिस्टम ये हमारी मान्यताओं के आधार पे हमारी सोच के आधार पे आता है कभी भी जीवन में कोई परेशानी आती है दैट पॉज मेक्स अस एनेबल्स अस टू डिसाइड वॉट वी वॉन्ट इनअर लाइफ हम अपनी लाइफ को अपनी जीवन को किस दिशा निर्देश की तरफ ले जाना चाहते हैं किस तरफ हम उसको ले जाना चाहते हैं ये हमारी अपनी कॉन्शियस चॉइस है

अपने अंदर है प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ लेकिन हर परेशानी अपने साथ सॉल्यूशन भी लेकर आती है हर बीमारी अपने साथ कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ इलाज भी लेकर आती है और हम कई बार अपने इलाज को बाहर ही ढूंढते रहते हैं हम कई बारी सोचते हैं कि केवल दवाइयाँ ही हमारे शरीर को ठीक करेंगी और ज़रूरी भी है उसको हम कहते हैं वो ट्रीटमेंट है लेकिन ट्रीटमेंट को हीलिंग में ट्रांसफॉर्म करना वो हमारी अपनी कॉन्शियस चॉइस होती है जब हम अपने मन की मनोशक्ति को उस ट्रीटमेंट में डालते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को उस ट्रीटमेंट से एम्पावर करते हैं तो हम अपने आप को केवल ट्रीट नहीं करते अपने आप को कंप्लीटली हील कर लेते हैं आज हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ और बीमारियों को अपनी मनोशक्ति के द्वारा हील कर रहे हैं आज के इस परिपेक्ष में मुझे अपने जीवन की एक बहुत सुंदर कहानी ध्यान में आती है ये 2003 20 मार्च का वो दिन था जब मैं अपने हॉस्पिटल से ऑपरेशन थिएटर से वापस आया और शाम को आकर मैं घर पर अपना भोजन करके लेटा ही हुआ था कुछ महीनों से शरीर पे कमज़ोरी महसूस होती थी और वजन भी कम हो रहा था लेकिन भोजन के बाद सडनली मुझे सीजर्स हुए और मुझे एकदम हॉस्पिटल में रश किया गया आईसीयू में एडमिट किया गया क्योंकि वो सीजर्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे जिसको हम कहते हैं दौरा पड़ रहा था जैसे तैसे दवाई देकर वो दौरे कंट्रोल किए गए और अगले दिन जब मेरे ब्रेन स्कैनज हुए पहले सी स्कैन हुआ और उसके बाद एम हुआ एम में देखा गया कि मेरे राइट साइड ब्रेन में पैराइटल लोब में बहुत बड़े बड़े मासिस थे बहुत बड़े बड़े मासिस थे तो ये एक उस समय किसी भी परिवार के लिए एक डॉक्टर जो कि कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था उसके लिए चिंता का विषय था तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ है और जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया उसके लिए अलग अलग प्रकार की जाँचें की गई तो पाया गया कि मैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टूबोक्लोसिस से सफ़र कर रहा था जो किसी मरीज से शायद मैंने कभी ना कभी एक्वायर की होगी और वो बहुत ही रेयर डिज़ीज़ थी उसका कोई प्राइमरी डिज़ीज़ प्राइमरी कारण मुझे नहीं मिला था उस समय केवल दुनिया में 19 दवाइयाँ इसकी अवेलेबल थीं और जब मेरी टेस्टिंग की गई तो उनमें से 18 दवाइयों के लिए मैं रेजिस्टेंट पाया गया केवल एक टॉक्सिक इंजेक्शन था जो मुझे रोज़ अपने हाथ पर लगवाना पड़ता था एक एक मिलीमीटर के गैप पर वो आईवी इंजेक्शन रोज़ मुझे लगता था और करीब मुझे याद है कि 12 से 14 टैबलेट्स मैं रोज़ खाता था उस समय दर्द ज़रूर होता था लेकिन दुख की महसूसता मैंने अपने जीवन में अपने आप को कभी भी नहीं होने दी एक साल बीता धीरे धीरे मैं दवाइयाँ लेता गया थोड़ा सा असर उस लेजन पर ज़रूर पड़ा उसका वॉल्यूम कम हुआ लेकिन अल्टीमेटली वो ठीक नहीं हो रहा था और उसी बीमारी के दौरान ही मैंने एक किताब भी लिखी और अपने कार्डियोलॉजी का एग्ज़ाम्स भी मैंने दिए पांच में जब मैंने अपनी कार्डियोलॉजी की परीक्षा को पास किया मुझे दिन अभी भी ध्यान है अल्टीमेटली ये डिसीजन हुआ कि मेरी सर्जरी होनी चाहिए और मेरी ब्रेन की सर्जरी काफ़ी बड़ी सर्जरी छः घंटा वो सर्जरी चली वो ब्रेन की सर्जरी की गई और जो मास था उसको निकाला गया ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और मैं सोच रहा था कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ मैं दवाइयाँ फिर भी खाता था क्योंकि उस बीमारी के बाद फिर भी एक से डेढ़ साल दवाइयाँ कम से कम कंटिन्यू करनी चाहिए और मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे रिज्यूम भी किया खुश रहता था एंजॉय करता था रोज़ मेडिटेशन करना और बहुत अपने लाइफ में प्रैक्टिकल रहना कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस भी प्रॉपर तरीके से करना परहेज़ करना छः महीने बीते और जनवरी 2006 मेरे ब्रेन स्कैंस दोबारा किए गए जब ब्रेन स्कैन दोबारा किए गए तो जो मास निकाला था वो तो ठीक हो चुका था लेकिन मेरे ब्रेन का एक और पार्ट जिसको हम सेरिबेलम के नाम से जानते हैं उस सेरिबेलम में एक और मास आ गया था जब डॉक्टर्स से हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा इसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा संभव नहीं है अब मैं इंजेक्शन्स भी लगा रहा था टैबलेट्स इतने टाइम से ले रहा था तो मेरे पास क्या ऑप्शन था मैंने सोचा मैं दवाइयाँ तो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल ले रहा हूँ विश्व के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स ने मुझे सबसे अच्छी दवाइयाँ दी हैं उन दवाइयों को मैं लेता रहा पर मैंने सोचा कि रूटीन अपने जीवन को अगर मैं इसी तरीके से चलने दूंगा तो यह बीमारी ठीक नहीं होगी मैं मेडिटेशन तो करता हूं लेकिन उस मेडिटेशन का प्रयोग अपने ऊपर करना उसका समय अब प्रॉपर तरीके से आ चुका था अपने आप मन में अपने एक दृढ़ संकल्प किया और एक समय निश्चित किया रोज मॉर्निंग में उठकर फोकस्ड मेडिटेशन मुझे अपने ब्रेन के लिए स्पेशली करनी है रोज़ रात को मैं स्पेशली एक ग्लास में पानी रखता मेडिटेशन रूम में और उसको चार्ज करता अपने संकल्पों के द्वारा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा एक एक संकल्प मेरा एक एक थॉट, मेरे ब्रेन के अंदर से जो निकल रहा है मेरे शरीर के एक एक सेल को बिल्कुल हील कर रहा है मेरे ब्रेन में कोई भी बीमारी नहीं है और परमात्मा से वो एनर्जी में रोज़ मॉर्निंग में जिसको हम अमृत वेला कहते हैं दो से पाँच का समय उस समय उठकर वो एनर्जी में लेता था और उसको बहुत पावरफुल तरंगे बहुत पावरफुल जैसे सूर्य की तरह पावरफुल किरणें होती हैं वो अपने ब्रेन को मैं साकाश के रूप में देता था ये प्रैक्टिस मैंने बहुत बिलीफ के साथ एक साल लगातार की एक साल करने के बाद मैंने सोचा कि अब ब्रेन के स्कैंस दोबारा कराने चाहिए तो जनवरी 2006 में जब पहले स्कैंस हुए थे उसके बाद अप्रैल 2007 में मैंने अपने ब्रेन के स्कैंस को दोबारा रिपीट कराया और जब ब्रेन के स्कैंस दोबारा रिपीट किए गए तो आपको जानकर अचंबा होगा हैरानी होगी और जैसा मुझे भी बहुत ही खुशी हुई कि जो मेरा ब्रेन का वो मास था वो कम्प्लीटली डिसपेयर हो चुका था और मुझे उस समय रियलाइज़ हुआ कि भले मैं शरीर का डॉक्टर हूँ भले मैं हार्ट की बीमारियों का इलाज करता हूँ भले हम मेडिकल साइंस में कितने भी एडवांस हो चुके हैं लेकिन कुछ बीमारियों का इलाज हमारी मेडिकल साइंस के पास नहीं है कुछ बीमारियों का इलाज हमारे स्वयं के पास है हमारे बिलीफ सिस्टम के पास है और जब मैंने इसकी साइंस में जाना आरंभ किया जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा वॉट इज़ दी साइंस ऑफ हीलिंग ये मिराकल्स जो हैं ये मार्वल्स जो हैं ये कौन क्रिएट करता है इज इट क्रिएटेड बाय पीपल आउटसाइड और इज़ इट क्रिएटेड बाय आवर ओन सेल्फ ये हमारे बिलीफ सिस्टम हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं, हमारे थॉट प्रोसेस जब हम उसको एम्पावर करते हैं क्या हम अपने आप को कठिन से कठिन बीमारियों में भी कंप्लीटली पार्शली हील कर सकते हैं क्या ये पॉसिबल है आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों हमारे शरीर में दो प्रणालियां बहुत सुंदर रूप से कार्य सदा करती रहती है दो प्रोसेसेस सडनली हमारी लाइफ में होते रहते हैं जो अनकॉन्शियसली चलते रहते हैं उसमें से एक प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ न्यूरोजेनेसिस न्यूरोजेनेसिस अर्थात हमारे ब्रेन में सेल्स कंटिन्यूसली पाथवेज बनते रहते हैं जो हम सोचते हैं जो हम विचार करते हैं वो थॉट्स हमारे ब्रेन में जाते हैं और वो ब्रेन में थॉट्स जाकर हमारे सैनेप्टिक कनेक्शंस यानी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को लिंक करते हैं इसी प्रकार जो दूसरा प्रोसेस हमारे शरीर में लगातार चलता रहता है वो है प्रोसेस ऑफ कोहेरेंसी कोहेरेंसी अर्थात लिंकिंग जिसको हम कहते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन समन्वयता अगर हमारे जीवन में समन्वयता नहीं है हमारे बॉडी के अंदर भी समन्वयता नहीं है तो हम बीमारी के ऊपर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति में हम देखते हैं कि क्या होता है यदि एक नॉर्मल व्यक्ति को बीमारी आती है उसका थॉट प्रोसेस कैसा चलेगा उसका थॉट प्रोसेस सदा नेगेटिव रहेगा वो डर जाता है ये स्वाभाविक रूप से एक फीलिंग आती है एक मानव मन के अंदर जब डर की फीलिंग जाती है तो उसके जो विचार हैं उसके जो स्टिमुलस हैं उसके ब्रेन के अंदर जो लगातार नेगेटिव विचार जाते हैं वो पूरी बॉडी को नेगेटिव सिग्नल्स देते हैं डर की फीलिंग देते हैं अब आप सोचिए कि एक मानव का मन जब एक दिन में 50 से साठ हजार विचार जनरेट करता है और एक ऐसी परिस्थिति एक ऐसी बीमारी किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है जो उसका पूरा थॉट प्रोसेस को कैप्चर कर लेती है लगातार बॉडी सिग्नल देती है पूरे शरीर को कि आप बीमार हैं आप बीमार हैं और ना केवल हम इस बीमारी का चिंतन स्वयं अपने मन में करते हैं वो नेगेटिव थॉट्स अपने मन में लाते हैं वो सिग्नल पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं और यही सिग्नल हम बाहर भी रेडिएट करते हैं लोगों से बातें करते हैं उनको बताते हैं उनका भी एनर्जी उनके भी संकल्प हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं तो न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस कैसा होगा नेगेटिव प्रोसेस होगा नेगेटिव लिंकिंग होगी फियर के न्यूरॉन्स जो पाथवेज हैं वो नेगेटिव न्यूरॉन्स बन जाएंगे यानी कभी भी हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमको डर लगेगा हमको चिंता होगी हमारा केमिकल ब्रेन हमारा लिम्बिक सिस्टम जो है हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं एक रैशनल थिंकिंग ब्रेन जो हमारा सीईओ है यानी जो हमारे ब्रेन हमारी बॉडी का गवर्निंग सेंटर है दूसरा हमारा केमिकल ब्रेन है या लिम्बिक सिस्टम है जब हम डर के सिग्नल्स अपने लिम्बिक ब्रेन को देते हैं अपने केमिकल ब्रेन को देते हैं तो वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति डरा हुआ है और वो डर के केमिकल्स पूरे बॉडी में रिलीज कर देता है और वही सिग्नल्स हमारे पास वापस आते हैं और हमारे ब्रेन में नेगेटिव पाथवेज बनाते हैं नेगेटिव लिंकिंग करते हैं और हमारी लाइफ एक इन कोहेरेंट लाइफ हो जाती है रैपिड फायरिंग लाइफ हो जाती है यानी डर और चिंता हमारी लाइफ का एक नेचुरल वे बन जाता है क्या होगा ऐसे समय पर इनकोहेरेंसी के कारण हम लोग फ्लाइट और फाइट रिस्पांस जनरेट करते हैं दोस्तों आपने देखा है जब भी हम डर जाते हैं तो हमको पसीने आते हैं हम बहुत घबरा जाते हैं क्यों क्योंकि उस वक्त हम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हमारे संकल्प हमारा डर हमारी चिंता हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है स्ट्रेस हॉर्मोन्स कॉर्टिसोल ये सब सिग्निफिकेंट लेवल में बढ़ते हैं और हम अपनी लाइफ को इमरजेंसी मोड यानी ऑटो पायलट मोड में लीड करते हैं तो ना न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस प्रॉपर होता है क्यों क्योंकि नेगेटिव विचार नेगेटिव बिहेवियर नेगेटिव इमोशंस वही नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव फीलिंग नेगेटिव स्टिमुलस टू दी होल बॉडी एंड द ब्रेन एंड नेगेटिव सैनेप्टिक पाथवेज नेगेटिव थिंकिंग हमारे ब्रेन में लिंक कर जाती है हमारे फियर के पाथवेज स्ट्रांग होते चले जाते हैं हमारे डर के पाथवेज स्ट्रांग होते चले जाते हैं इसी प्रकार इनकोहरेंसी होने के कारण हर छोटी छोटी बात पर हमको डर लगेगा हम चिंता जनरेट करेंगे हमको घबराहट होती है तो दोस्तों हमारा पूरी बॉडी जो है वो ऑटो पायलट यानी इमरजेंसी मोड में कार्य कर रही है आज अगर हम इस बात को देखें तो 99% परसेंट ऑफ पीपल जब भी उनके पास बीमारी आती है तो वो अपनी लाइफ को इमरजेंसी मोड यानी डर के मोड में रन करते हैं और दोस्तों जब हमारा मन बार बार डर और चिंता के संकल्प जनरेट करता है बार बार जब हमारे मन के अंदर नेगेटिव संकल्प जनरेट होते हैं भय के संकल्प जनरेट होते हैं अनसर्टनिटी के बारे में जनरेट होते हैं तो क्या फीलिंग आएगी पूरी बॉडी के सेल्स जो हैं वो इसिंक्रोनस या डिसिंक्रोनस हो जाते हैं यानी हर सेल अपने अपने हिसाब से कार्य करता है क्योंकि सेंट्रल सिस्टम हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम हमारे मन के संकल्प संयम में नहीं है मैं आप ही लोगों को इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूं अगर आप देखें कि इसको हम एक क्लास के रूप से ऑर्गेनाइज करें एक क्लास जहां पर करीब सौ बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन जब सौ बच्चे बैठे हुए हैं वो आपस में खेल रहे हैं बात कर रहे हैं कभी लड़ रहे हैं कभी इधर उधर की बात कर रहे हैं क्यों क्योंकि टीचर नहीं है या प्रिंसिपल नहीं है इसी तरह बड़े स्कूल की बात करें जब स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होता सब कुछ डिसऑर्गेनाइज होता है टीचर्स नहीं होते सब कुछ डिसऑर्गेनाइज होता है सब ऑटो पायलट मोड में यानी ऑटो मोड में कार्य कर रहे होते हैं लेकिन अगर उनमें सिंकरणी लानी हो अगर उनको आपस में लिंक करना हो समन्वयता उनके अंदर लानी हो तो किस चीज की आवश्यकता होती है एक सेंट्रल कंट्रोल की आवश्यकता होती है एक टीचर की आवश्यकता होती है दोस्तों हमारी साइंस ऑफ बिलीव भी यही कहती है हमारी साइंस ऑफ हीलिंग भी यही कहती है आज हम लोग जब केवल दवाइयों पर विश्वास करते हैं हम लोग केवल मेडिकल साइंस पर विश्वास करते हैं लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जो हम मेडिकल साइंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है वो कहती है ये कैसे हुआ दिस इज़ नेचुरली नॉट एक्सप्लेनेबल बिकॉज ये बियॉन्ड अवर है बियॉन्ड मेडिकल साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट हैं एंड दैट इज़ वेयर अवर साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी साइंस ऑफ मेडिटेशन एंड साइंस ऑफ हीलिंग जब सेंट्रल कमांड जब हमारा अपना ब्रेन हमारा थॉट प्रोसेस सिंक्रनी में आ जाता है अर्थात जब हम योग के द्वारा मेडिटेशन के द्वारा अपने संकल्पों को कंट्रोल में लाते हैं अपने संकल्पों को अपना मित्र बनाते हुए सेंट्रलिओं को एम्पावर करते हैं तो एक एक हमारा संकल्प बहुत पावरफुल एनर्जी हमारे ब्रेन हमारे शरीर के एक एक सेल को देता है दोस्तों आप इमेजिन करिए कि आप एक किसी म्यूज़िक के कॉन्सर्ट में गए हैं और उस म्यूज़िक के कॉन्सर्ट में एक तबला वादक भी है एक सितार एक गिटार बजाने वाला है सब लोग बहुत एक्सपर्ट हैं और एक गाने वाला भी है लेकिन सब लोग अपनी अपनी धुन अलग अलग बजा रहे हैं गाने वाला अपना गाना गा रहा है सबका अलग अलग तरीका है और जब वो ऐसा करते हैं तो क्या हमको अच्छा म्यूज़िक या गाना या कोई धुन बाहर निकल कर आती है नहीं निकल कर आती है ना क्यों क्योंकि उन सब के अंदर कैपेबिलिटी है लेकिन एवरीबडी इज टोटली डिसंक्रोन यानी वो अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं कैपेबिलिटी हर एक में है लेकिन उनके अंदर सिंक्रनी नहीं है लैक ऑफ सिंक्रनी है लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति जो उस ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करता है एक टीचर जो उस क्लास को कंट्रोल करता है वो जब आता है वो उनको एक सिग्नल देता है एक सेंट्रल कमांड देता है, वो हाथ हिलाकर बताता है कि अब आपको बजाना है अब आपको बजाना है तो वही म्यूजिशियंस और वो गाने वाला व्यक्ति जो है एक बहुत ही सुंदर और मधुर धुन प्रोड्यूस कर देता है उस गाने को हम लोग एंजॉय करते हैं इसी प्रकार हमारा शरीर भी कार्य करता है जब हम अपने मन को सकारात्मक संकल्प है अपने मन के बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं हम बार-बार अपने आप को कहते हैं कि मैं बीमार नहीं हूं lack of acceptance कि मैं बीमार हूं दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग मैं अपने आप को यह कहता हूं कि मैं ठीक हूं मैं हील हो जाऊंगा कोई भी बीमारी मेरे शरीर के ऊपर असर नहीं डालेगी तो वही दवाइयां भी जो हैं बहुत सुंदर और बात पावरफुल रूप से कार्य करती हैं दोस्तों अगर हम साइंस के रूप से देखें तो जब हम पावरफुल संकल्प अपने मन में जनरेट करते हैं एक पावरफुल पॉजिटिव संकल्प अपने पूरे शरीर को हम लोग देते हैं कि यस आई एम गोइंग टू बी हील्ड

स्टार्ट बिहेविंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल एन अ वेरी पावरफुल हारमोनियस वे और जब वो हार्मोनी में आते हैं तो सारे सेल्स पांच फिफ्टी ट्रिलियन सेल्स की जो सारी एनर्जी है वो इतनी पावरफुल शक्ति हमारे शरीर में जनरेट करती है दैट द प्रोसेस ऑफ हीलिंग स्टार्ट हैपनिंग इन अवर लाइफ दैट इज वॉट वी से कि इम्यूनिटी केवल बाहर नहीं है इम्यूनिटी केवल अच्छा खाना खाने में नहीं है लेकिन हीलिंग और इम्यूनिटी का मेजॉरिटी पार्ट जो है वो हमारे बिलीफ सिस्टम हमारी मान्यताओं में है जब तक हम अपने मन को अपने ब्रेन को पावरफुल संकल्प नहीं देंगे हम अपने मन को सकारात्मक संकल्प नहीं देंगे हम अपने मन को ये बिलीव नहीं कराएंगे कि मैं ठीक हूं कोई भी बीमारी मुझे नहीं होगी या अगर है तो मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त पक्का करूंगा तब तक वो हीलिंग का प्रोसेस आरंभ नहीं कर सकता है दोस्तों दैट इज वॉट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अंकनि जब हमारे मन से एक सेंट्रल पावरफुल कमांड जाती है हमारे लिम्बिक सिस्टम हमारे केमिकल ब्रेन से एक पावरफुल एनर्जी जाती है वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति अपने आप को हील करना चाहता है तो वो पावरफुल हॉर्मोन्स इंडोरफिन हमारे ब्रेन के अंदर से रिलीज होते हैं वो हमारे संपूर्ण शरीर को एक हारमोनी में ले आते हैं एक हीलिंग मोड में ले आते हैं एंड दैट इज वाई वेन वी आर कंटिन्यूसली थिंकिंग फाइन ये बिलीव सिस्टम हमारे ब्रेन के अंदर न्यूर कनेक्शंस जनरेट करता है इसके ऊपर साइंस में रिसर्च भी हुई है कि वन आवर ऑफ फोकस्ड कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन विल डबल दी साइनेप्टिक कनेक्शंस अगर हम नेगेटिव चीज पर और फियर पर फोकस करते हैं तो फियर के कनेक्शंस और नेगेटिव कनेक्शंस हमारे ब्रेन में चार घंटे में डबल हो जाएंगे इसी प्रकार जब हम पॉजिटिव एनर्जी पर फोकस करते हैं और हीलिंग पर फोकस करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर यही कनेक्शंस डबल हो जाएंगे डॉक्टर एरिक कैंडल को 2000 में इसी रिसर्च पर नोबल प्राइज मिला था जिसमें उन्होंने कहा था कि व्हाट सिंक्स इन ब्रेन लिंक्स इन ब्रेन अगर हम अपने ब्रेन को सिंक्रनी में ले आते हैं पॉजिटिविटी की तरफ ले आते हैं तो हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स में हमारे ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली हीलिंग एंड पॉजिटिव लिंकिंग आरंभ हो जाती है दोस्तों ब्रेन की इसी यूनिक प्रॉपर्टी को न्यूरो प्लास्टिसिटी कहा जाता है जब मैंने अपने ब्रेन के स्कैंस को रिपीट किया फॉलो अप रिपीट किया तो मैंने देखा कि जो ब्रेन का एरिया डैमेज भी हुआ था और जो शरीबलम के अंदर जो मास भी था वो सारे लेजेंस ना केवल डिसअपेयर हुए लेकिन नॉर्मल ब्रेन ऑटोमेटिकली उधर धीरे धीरे एक्सपैंड करके उसको कवर करता चला गया एंड देट इज वॉट इज द ब्यूटिफुल आर्ट एंड ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरो जब आपके अंदर से एक ब्रेन का पार्ट निकाला जाए तो अक्सर क्या होगा कोई डिफिशंसी आएगी या कोई पार्ट डिसफंक्शनल हो जाएगा या कहीं ना कहीं कोई ऐसा पार्ट हो सकता है जहां पर कोई वीकनेस आ जाए लेकिन अगर हम अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखते हैं हम अपने आप को समझाते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है इतनी पावर है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है अडेप्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू अवर ओन विश। ये शक्ति ना केवल हमारे अंदर है यह शक्ति हम सबके अंदर है मेडिकल साइंस एक बहुत पावरफुल साइंस है आज का यह समय है जब हम अपने शरीर अपने मन अपनी आत्मा अपने बॉडी एंड अपने एनवायरमेंट के अंदर कंप्लीट सिंक्लनी क्रिएट करें ये हमारी एक कॉस्ट्यूम है और उस कॉस्ट्यूम के अंदर हमारी कॉन्शियसनेस रहती है और हमारे चारे अराउंड हमारा एनवायरमेंट है लेकिन कॉन्शियसनेस हमारे कॉस्ट्यूम के सेल्स को कंट्रोल करती है और हमारी कॉन्शियसनेस हमारे एनवायरमेंट को भी पावरफुल तरीके से दोस्तों इन्फ्लुएंस करती है अगर हम अपने मन के संकल्पों को सकारात्मक बनाते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं आज बहुत आवश्यक है अपनी मान्यताओं अपनी धारणाओं अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना जब हम अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं तो हमारी बॉडी हमारे बॉडी के सारे हार्मोन्स, हमारी बॉडी के सारे जो इंडोक्राइन सिस्टम्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं दे ऑल फॉल इन प्लेस व्हाई? बिकॉज हमारा किंग हमारा ब्रेन हमारा सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम हमारी आत्मा की गवर्नेंस में चल रहा है हमारे संकल्पों की गवर्नेंस में चल रहा है लेकिन जब हम अपने संकल्पों के ग़ुलाम हो जाते हैं हम अपने डर के ग़ुलाम हो जाते हैं अब हमारे जीवन में हमारी फ़ियर हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है तो दोस्तों यही ऑर्गन्स हमारे जीवन में हमारी बीमारी को बढ़ा देते हैं है फेजर्ड हो जाते हैं हमारा ब्रेन हमारा हार्ट डिसोनसली फायर करता है क्या होगा जब आदमी घबरा जाता है तो उसका हाथ कांपता है वो कुछ भी अपने जीवन में कंट्रोल नहीं करता इसी प्रकार दोस्तों जब हम अपने ब्रेन को नेगेटिव सिग्नल देते हैं तो ब्रेन भी डिससिंक्रोनस फायरिंग करता है यानी कोई भी हारमोनी यानी कोई भी सिंक्रोनिसिटी ना अपने हार्ट के साथ ना स्वयं के साथ ना शरीर के किसी ऑर्गन के साथ वो क्रिएट कर सकता है और इस रैपिड फायरिंग में कहीं ना कहीं हीलिंग का प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो जाता है तब हमारी ट्रीटमेंट होता है यानी दवाइयाँ अपनी लिमिटेशंस में काम करती हैं बहुत सारे लोग दवाइयों से ठीक भी हो जाते हैं लेकिन जब परिस्थितियाँ कठिन होती हैं जब परिस्थितियाँ दवाइयों के बियॉन्ड चली जाती हैं दोस्तों उस समय हमको याद आता है कि हम किसी न किसी महात्मा किसी न किसी मेराकल की वेट करें दोस्तों मिराकल्स बाहर से क्रिएट नहीं होते मिराकल्स क्रिएट करने की कैपेबिलिटी आज स्पिरिचुअल साइंस और मेडिकल साइंस हमारे स्वयं के अंदर देती है ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं कितने ही लोग हैं जो स्वयं अपने आप को हील कर रहे हैं आज मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि केवल अपनी सोच के द्वारा केवल अपने विचारों के द्वारा ना केवल हम अपने शरीर का अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं दोस्तों यही मैजिक ऑफ मेडिटेशन है आज अगर हम कितनी कठिन परिस्थितियों से जाते हैं कभी ना कभी कोई छोटी या बड़ी बीमारी या कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिकल साइंस का प्रॉपर तरीके से उपयोग करें डॉक्टर को कंसल्ट करें और दवाइयों को आरंभ करें लेकिन हम अगर उस मेडिकल साइंस को अपनी स्पिरिचुअल साइंस अपनी मेडिटेटिव साइंस से कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसको हम उसके साथ इंकल्केट करते हैं तो हमारे संकल्पों में सिंक्रोनिसिटी आने के कारण हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं और वो न्यूरल पाथवेज बार बार सोचने के कारण हमारे शरीर को कंप्लीटली अपने संयम में ले आते हैं आप लोगों ने सुना भी होगा कि ऐसे हमारे पुराने टाइम में कितने महात्मा होते थे जो कई कई महीने बिना खाने के कई कई महीने गुफाओं के अंदर जाकर कई कई महीने बर्फ के अंदर जाकर वो तपस्या करते थे ऐसा कैसे संभव होता था यह मेडिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती है यह तभी संभव होता था जब वो अपने मन और अपने मन के संकल्पों के द्वारा अपने शरीर के कंप्लीट मेटाबॉलिक सिस्टम को अपने संयम अपने कंट्रोल में ले आते थे और दोस्तों ये जो है ये कोई इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है ये एक यूनिक माइंडसेट है ये माइंडसेट हम सब क्रिएट कर सकते हैं ये माइंडसेट हम तब क्रिएट कर पाएंगे जब हम रोज अपने मन का ध्यान रखेंगे यही मन का ध्यान रखना हीलिंग की तरफ ट्रीटमेंट को हीलिंग की तरफ पेन को सफरिंग को अपनी लाइफ से रिमूव करने की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप होगा दोस्तों जीवन में वो पॉज लाना वो स्पेस लाना वो आज बहुत आवश्यक है स्पेस हम सबकी एक कॉन्शियस चॉइस है जहां एक तरफ हमको लाइफ बार बार स्टिमुलस देती है और जहां हम लोग बार बार अपनी लाइफ में रिएक्शन जनरेट करते हैं स्टिमुलस आता है रिएक्शन जनरेट होता है क्यों क्योंकि हम लोग ऑटो पायलट पर चल रहे हैं आज दोस्तों उन दोनों के बीच में केवल एक वर्ड लाना है वो है पॉज और स्पेस जब हम अपने मन को रोकना सिखाते सिखाते हैं। हैं, जब हम हैं। जब हम हम अपने अपने मन मन को को अच्छे संकल्प करना सकारात्मक संकल्प देते हुए स्वयं को हील करना सिखाते हैं पॉजिटिव संकल्प देते हैं पीसफुल संकल्प देते हैं प्यार से परिपूर्ण संकल्प देते हैं यह शक्तिशाली संकल्प देते हैं प्योर संकल्प देते हैं आनंद के संकल्प देते हैं दोस्तों तो हमारा एक एक पॉजिटिव संकल्प हमारे कंप्लीट हार्मोनल इंबैलेंस को समाप्त कर देता है और हीलिंग की तरफ ये हमारा एक बहुत बड़ा कदम हो जाता है मैं आपको एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन दूंगा कि साइंस कहती है कि अगर ब्रेन में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन लानी हो एक न्यू कनेक्शंस को परमानेंट स्ट्रक्चर देना हो तो कम से कम तीन हफ्ते से लेके के छः महीने तक का टाइम हमको जरूर चाहिए होता है अगर हम पावरफुल कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं पावरफुल मेडिटेशन अपने जीवन में इंकल्केट करते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं तो मात्र तीन हफ्ते के अंदर हम अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीटली अपने अकॉर्डिंग अपने विश के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने ब्रेन के बिलीफ सिस्टम्स को जो पुरानी मान्यताएं हैं जिनको हम कहते हैं मैं तो इसी प्रकार का हूँ मेरी सोच इसी प्रकार की है उसको हम कंप्लीटली समाप्त कर सकते हैं दोस्तों आइए हम अपने जीवन में मेरेकल्स क्रिएट करें मेरेकल्स हमारे लिए कोई बाहर नहीं कर सकता मरैकल्स हमको अपने जीवन में स्वयं क्रिएट करने हैं परमपिता परमात्मा के साथ केवल कुछ पल की अनुभूति केवल कुछ क्षण का उनके साथ जब हम कनेक्शन करते हैं तो वो पावरफुल एनर्जी हमारे मन को हमारे आत्मा को हीलिंग मोड में ले आती है हमारे लेफ्ट और राइट right ब्रेन में कंप्लीट सिंक्रनी ले आती है और आज मेडिकल साइंस इसको कंप्लीटली प्रूव कर चुका है तो डरना नहीं है चिंता नहीं करनी है भय नहीं करना है लाइफ सिचुएशंस देती है लेकिन डिसीजन हमारा अपना है कि हमको सफ़र करना है या हमको उस बीमारी पर विजय प्राप्त करनी है दोस्तों लोग बोलते हैं कि हम सुपर बन सकते हैं क्या लोग बोलते हैं कि क्या हम इस शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं वॉट इज़ बींग सुपर नेचुरल मैं आपको बताना चाहूंगा कि बींग सुपर नेचुरल इज बींग ग्रेटर देन दिस बॉडी अपने शरीर के प्रति मान्यताओं अपने शरीर से भी ऊपर उठना अर्थात अपनी आत्मा को फोर फ्रंट में लाना अपने जीवन का कंट्रोल अपने संकल्पों को देना अपनी आत्मा को देना यही सुपरनेचुरल बनना है और ये हम तब बन पाएंगे जब रोज़ हम कुछ पल परम पिता परमात्मा के साथ अपने मन अपनी आत्मा को जोड़ेंगे तो मैं आपको केवल कुछ क्षणों के लिए एक सुंदर अभ्यास एक सुंदर कुछ संकल्प दूंगा और आप उन संकल्पों को रोज अपने मन को दीजिए और ऐसा अनुभव करें कि मेरा एक एक संकल्प मेरे शरीर के एक एक सेल को बहुत पावरफुल और प्योर बना रहा है ओम शांति मैं एक शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूं परम पिता परमात्मा से प्रेम शांति शक्ति पवित्रता की पावरफुल एनर्जी मेरे शरीर और मेरी आत्मा को बहुत सुंदर शक्ति दे रही है अनुभव करें मेरी आत्मा से एक एक संकल्प बहुत शक्तिशाली पवित्र और पावरफुल चार्ज होकर मेरे ब्रेन और मेरे शरीर के एक एक सेल को प्योर कर रहा है संयम मिला रहा है कोई भी बीमारी कोई भी नेगेटिविटी मेरे मन मेरे ब्रेन मेरे शरीर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही है मैं शक्तिशाली हूं परमपिता परमात्मा सुप्रीम सर्जन है उनकी पावरफुल शक्ति मेरी आत्मा को भी शक्तिशाली बनाते हुए शरीर के एक एक सेल को शांत और शक्तिशाली बना रही है अनुभव में खोए आत्मा से शक्ति शरीर के एक एक अंग एक एक ऑर्गन को दर्द से कष्ट से दुख से संपूर्ण मुक्ति दिला रही है मैं स्वस्थ हूं मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है मेरी आत्मा आनंद में है